हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं सिरसा में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आप किसानों का ये कहना है कि आगे आप पंजाब के किसान जब दिल्ली बॉर्डर पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं तो ऐसे में उनका समर्थन भी अब उनको दिया जाएगा। दरअसल शहीद भगत सिंह स्टेडियम गेट धरना 54वें दिन भी जारी रहा है और रविवार को चेतावनी देते हुए किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगे अभी दिल्ली जाने की तैयारी है, सभी साथियों से हम बातचीत कर रहे हैं और कल यहां से काफिला जाएगा दिल्ली की तरफ, हम कुछ करेंगे। और दिल्ली में अभी तक लाखों किसान जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस सरकार ने लाखों कोशिश की किसानों को दिल्ली न जाने देने के लिए, जगह जगह बैरिगेट लगाए, लेकिन किसानों ने इनके सारे बैरिगेट तोड़ दिए। किसानों के हौसले जो है वो इतने मजबूत है कि इनकी पुलिस जो है वो किसानों का कुछ नहीं कर पाई। किसानों के हौसले बहुत बड़े हैं, इस वास्ते किसान जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहा है। जब तक ये सरकार किसानों की बात नहीं मान लेती, इन तीन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती है, तब तक पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच करता रहेगा। ये जो बयानबाजी कर रहे हैं ये सब एक झूठ का पुलिंदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये एमएसपी नहीं तोड़ रहे हैं तो ये एक लाइन उसके अंदर लिख दे कि एमएसपी से कम खरीद करने वालों को सजा होगी, ये लिख के दे दीजिए। लेकिन ये बदमाशियां कर रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी कागजों में बना दिया, लेकिन धरातल के ऊपर वो लागू नहीं होगी तो किसान को इसका कोई फायदा नहीं होगा। हम कह रहे हैं एमएसपी अगर लागू की है, ये एमएसपी पहले तो हम इसको कम मान रहे हैं कि ये लागत मूल्य नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का। तो पहले तो किसानों की जो फसल है उसका लाभकारी भाव किया जाए, लागत निकाल के उसके ऊपर 50% भाव दिया जाए, वो एमएसपी बनाओ, और उस एमएसपी से कम कोई खरीद करता है तो उसको सजा का प्रावधान दिया जाए ताकि किसान जो है वो सुरक्षित रहे।